अब जरा देखें कि ये बात जब आचार्य प्रमोद कृष्णम और उन तमाम लोग जो कभी कांग्रेस का हिस्सा रहे और आज की तारीख में जो कह रहे हैं विपक्ष को, ये उनके कानों तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। तीन और खास मेहमान हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। सैयद जवाद, षड्यंत्र है ये? नहीं, देखिए क्या है, ये 140 करोड़ लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था और आज सच बता रहा हूं कि 140 करोड़ भारत की जनता को जितनी दिली तकलीफ हुई है उसका एहसास सभी, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैं इस चीज को बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। लेकिन आप एक तरफ तो जहां भारत का डंका बजता है, जहां हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से उम्मीद ये थी कि वो विश्व गुरु के तौर पे जो है देखे जाते हैं, एक फोन कॉल पे वॉर रूम करती है, तो आज हमें ये तवक्को थी कि 100 ग्राम सिर्फ वजन, आप भी एक्सरसाइज करती हैं, आप जानती हैं और हम लोग भी रोज रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले हैं, 100 ग्राम कोई बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि इसी देश के अंदर यही बेटियां जो थी सर पर घसीटी जा रही थी और अभी भी ऐसे लोग बहुत ज्यादा ट्रोल आर्मी है जो आज भी इस चीज की खुशियां मना रही है। देखिए जाके ट्विटर पर और कितने समर्थक है, मुझे कहने में इस चीज की कोई दिक्कत नहीं होती, राजनीति अपनी जगह होगी, लेकिन आज तो कम से कम हमें इस बेटी के साथ खड़े होने की जरूरत थी। अरे तो वही तो करने के लिए आपको बोल रहे हैं ना, वही तो करने के लिए बोल रहे हैं ना। और 100 ग्राम सुनिए सर, आप खुद एक एंथुसियास्ट है, खासकर जिमिंग को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर, मैं जानती हूँ ये 100 ग्राम आप में मुझे चल सकता है, ठीक है, वाजपेयी जी, आलोक जी और जो हमारे साथ डाइटिशियन मोहतरमा है उन सबके साथ चल सकता है। ओलंपिक का खेल है सर, यहाँ सारी चीजें मेंशन होती हैं, यहाँ पे नहीं चलता है ये कोई पत्रो की और राजीव जी और कांग्रेस दफ्तर ये वाला मामला नहीं है कि फोन करेंगे और काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये वो टाइम नहीं है, तो फिर षड्यंत्र वाला एंगल क्यों ला रहे हैं खुदा के वास्ते, तो क्यों नेगेटिविटी करना, कौन लोग थे? कौन आप ये एक बात बोलिए ना, आपको भेज देते है ना, आपको भेज देते चीफ मेडिकल ऑफिसर की जगह, आपको भेज देते कांग्रेस के किसी पदाधिकारी को भेज देते, नहीं आप लोग इतना शक जिसकी हद नहीं है। वाजपेयी जी ये बार बार एक ही चीज, बार बार एक ही चीज, यही स्ट्रैटेजी हर चीज में कोई कॉन्स्पिरेसी। अरे छोड़ दीजिए प्लीज, सही जवाब छोड़ दीजिए, पूरा देश देख रहा है, हर चीज में आपको राजनीति चाहिए। वाजपेयी जी वाजपेयी जी देख रहे हैं ना, 100 ग्राम वजन वॉर रुकवा सकते हैं, 100 ग्राम वजन को लेकर क्या किसी तरह का कुछ वहां पर सेटिंग नहीं हो सकती थी? रूबिका जी विपक्ष की नादानी, ना समझी और आगे कह लो बेवकूफी। देखिए विपक्ष को परिपक्व होना पड़ेगा, विपक्ष अगर इस तरह से विपक्ष की भूमिका निभाएगा तो क्या संदेश दे रहा है? इंटरनेशनल की गेम्स की बात है ये, आपने बिल्कुल सही कहा, रूल इज रूल, जो रूल बुक में लिख किया वो हूबहू लागू होगा। अभी एक सज्जन आए थे वो कह रहे प्रोटेस्ट नहीं किया, पहले रिकॉर्ड तो चेक कर लो, प्रोटेस्ट बाकायदा किया गया है और प्रोटेस्ट से कुछ होता नहीं है, उसमें रिव्यू नहीं होता, अगर एक बार डिस्क्वालीफाई हो गए तो हो गए, प्रोटेस्ट करते रहिए आप, उसका एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन वो गोल्ड मेडल नहीं मिल सकता आपको, वो बड़ा अजीब सिलसिला है। लेकिन उसमें भी इस तरह की स्टेटमेंट देना, इस तरह के ट्वीट करना, इससे क्या जाहिर होता है कि विपक्ष सीरियस नहीं है? कल एक सज्जन ने और किया इसी तरह का, बांग्लादेश के मामले पे स्टेटमेंट हमारे से तुलना कर रहे हैं उसकी, मतलब हम ये कह रहे हैं कि क्या देश की जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं? हर चीज में नेगेटिविटी करेंगे, पार्लियामेंट का बायकॉट करेंगे, पार्लियामेंट का उद्घाटन होगा उसका बायकॉट करेंगे, राम मंदिर का बायकॉट, मतलब हम हमको नहीं समझ आ रहा, हम माफ करना इस पे क्या कमेंट दें, ये इतना बचकाना ट्वीट किया है। लेकिन बंद कमरों में वाजपेयी जी हमारे भी बहुत जानकार हैं जो कहते हैं कि यही स्ट्रैटेजी है,
जिसने आपको 240 के आसपास रोक लिया, यानी एनडीए को, बीजेपी को, और बमुश्किल आप लोग सरकार बना पाए, है ना? और यही स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से विपक्ष थोड़ा और मजबूत और स्ट्रांग हुआ है। तो चलो ये करते रहते हैं। ये कोई अरे कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये बेवकूफी वाली बातें हैं, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। देखिए, हार के कई कारण होते हैं, इनकी वजह से नहीं हारे हम। अब माफ करना, सब समीक्षा सब लोगों ने की है, सब पार्टियों ने किए, सब नेताओं, इनके ये नहीं हरा पाए हमको। प्रीपोल अलायंस की सरकार बनी और तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी, नरेंद्र प्रधानमंत्री बने, इनके इनके हराने से हारने वाले। अगर इस तरह की ये बचकानी हरकतें करेंगे तो ये हमारा बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे, माफ करना। भाई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होना जो होनी है आप लोग निपटेंगे, लेकिन ये देश के लिए सच में अच्छा नहीं। हमारे साथ जो डाइटिशियन इस वक्त मौजूद है मैम, ये शिखा जी, मुझे बस ये बात समझनी है कि 100 ग्राम वजन का जो पूरा खेल है, रात भर वो मेहनत करती रही, फिर भी ये 100 ग्राम वहीं का वहीं रहा और सब खेल खत्म हो गया, इतना डिफिकल्ट है जी। एक्चुअली अगर आप देखें कि उनका जो नेचुरल वेट है, जो उनकी स्ट्रक्चर के हिसाब से, वो 55-56 इस रेंज में ज्यादा रहता है। तो क्योंकि ये एक लाइटर वेट की कैटेगरी में कम्पीट कर रही थी, तो उन्होंने अपना वजन ड्रॉप किया, मतलब उन्होंने मेहनत करके उस वेट कैटेगरी में कम्पीट करने के लिए ड्रॉप किया। और ये बहुत ही क्या बोलते हैं, इनक्रेडिबल और बहुत तारीफ की बात है कि उनको अपना उतना वजन ड्रॉप करने के बाद भी वो 3 गेम्स जीत पाए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अगर आपका नेचुरल वेट 55 है और आप 5 किलो को ड्रॉप करके 50 की कैटेगरी में खेल रही हैं, तो आपका जो नेचुरल जो स्ट्रेंथ होती है, जो आपकी फाइटिंग एबिलिटी होती है, वो कम हो जाती है। बट उसके बावजूद उन्होंने 3 गेम जीती। बट क्योंकि जब आप 3 गेम्स, मतलब बॉक्सिंग का गेम आप समझ सकते हैं कि उसमें इतना जो स्ट्रेस होता है, इतना जो उसमें मेहनत लगती है, तो उसके बाद साथ साथ में उनको इलेक्ट्रोलाइट्स इस तरह की चीजें भी लेनी पड़ती है, वरना वो उसी वहां पे मैदान में कोलैप्स हो जाएंगे। मतलब ये बड़ा टफ खेल था, वो बैलेंस जो बना कर रखना था, और उस बैलेंस के चक्कर में 100 ग्राम ने खेल कर दिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सब चीज जायज है, भ्रम किसी कीमत पर नहीं, और देश जब खेल के मामले में एक हो जाता है तो राजनीति को कोई हक नहीं है कि उसे तोड़े। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।